नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के जन्म को करीब 2 दशक से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ की संस्कृति परंपरा की पलचूलता ऐसी रही कि हमेशा एक अलग तरीके की खुशबू यहाँ से आती रही। दोस्तों, सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तो हम में से कईयों को उत्तराखंड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है, लेकिन पहाड़ की वीरता कितनी महान है उस पर उस लेवल से बात नहीं होती। उत्तराखंड न्यूज में एक ऐसी ही वीर की कहानी आपको बताने जा रहा हूं। इस वीर ने अपनी वीरता का सबूत सिर्फ 13 से 14 साल की उम्र में सबको दे दिया। दरअसल ईडा से एक बारात बयाली आई, उसके स्वागत सत्कार का सब गांव वाले इंतजाम कर रहे थे। गांव से नीचे जलधारा के पास पानी से भरा एक बड़ा गेड़ा रखा हुआ था। वो इतना भारी था कि कई लोग भी मिलकर उसे उठा नहीं पा रहे थे। उस बीच 14 साल का एक लड़का कोहतल वश वहां पहुंचा। उसने अकेले ही उस गेड़े को उठा लिया और चढ़ाई पर ले गया जहां बारात का स्थान था। इस पराक्रम को देखकर सब लोग हैरान रह गए और चारों ओर धूम मच गई। उस दिन से सबौर से ये खबर फैल गई कि एक नया भड़ पैदा हो गया है। वो और कोई नहीं, लोदी रखेला था, जिसकी चारों ओर ख्याति फैलने लगी। दोस्तों, उत्तराखंड में कई ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया जिनका जिक्र इतिहास की किताबों से लेकर लोकगीतों में मिलता है। ऐसे ही एक योद्धा था राजा महितब शाह के सेनानायक लोदी रिखोला, जिनके युद्ध कौशल के किस्से ना सिर्फ गढ़वाल क्षेत्र बल्कि दिल्ली दरबार तक चर्चा में रहे। उनकी वीरता का ही असर था कि सेना नायक रहते हुए उन्होंने महाराज महीपत शाह के साम्राज्य में सिरमौर रियासत का एक बड़ा हिस्सा शामिल कर लिया था। लोदी रिखोला का जन्म पट्टी मल्ला बदलपुर के बयाली गांव में साल 1590 में हुआ था। उनके पिता अपने इलाके के एक प्रतिष्ठित थोकदाल थे। लोदी रिखोला का बचपन अपने गांव में ही बीता, जहां खेल कूद और कसरत में उन्होंने अपना समय बिताया। वक्त आगे बढ़ा, लोदी रिखोला युवा हो गए थे। फिर उनका विवाह एक सम्रांत थोकदार परिवार की बेटी से हो गया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। उन दिनों लोदी रिखोला अधिकतर अपने गांव से कुछ मील पश्चिम की दिशा में नायर नदी के किनारे खेरासण में अपने बागवान में रहा करते थे, लेकिन शीघ्र ही इनके एकांतवास का वो क्रम भंग हो गया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त तिब्बत की ओर से बार बार गढ़वाल रियासत पर हमले किए जा रहे थे। इस तिब्बत की ओर से हमलावर रुख को जवाब देने के लिए गढ़वाल रियासत के महाराज ने जवाब देने का मन बना लिया। बार बार आकर लूटपाट करने वाले तिब्बती सरदार को सदा के लिए परास्त करने का निश्चय कर लिया। मुख्य सेनापति माधो सिंह भंडारी के सुझाव पर उन्होंने गढ़वाल भर के सब बड़ों को और अन्य वीर युवकों को निमंत्रण दिया। लोदी रिखोला भला उस निमंत्रण को कैसे मना कर सकते थे। तुरंत श्रीनगर जाकर दरबार में प्रस्तुत हो गए और एक सेना के संचालक नियुक्त हो गए। तिब्बत युद्ध में लोदी रिखोला ने वीरता का परिचय देते हुए और वहां से लौटने पर इन्होंने दक्षिणी सीमा की ओर रक्षा का भार संभाल लिया, क्योंकि ये स्वयं दक्षिणी गढ़वाल के निवासी थे। कहा जाता है कि लोदी रिखोला दिल्ली से दरवाजा तोड़कर ले आए। इस विषय पर उस पवाड़े में बड़े जोरदार शब्द आते हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास करने के लिए पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। संभवतः लोदी रिखोला ने नजीबाबाद के किले पर हमला कर दिया और अपने बल के दम पर उसके फाटक को नष्ट कर उसके कुछ अंश प्रमाण के तौर पर श्रीनगर दरबार में प्रस्तुत किए। डॉक्टर पीताम्बरा दत्त बर्तवाल ने लोदी रिखोला के बारे में लिखते हैं, उनकी इस विषय पर यही सहमति है। दक्षिणी सीमा की रक्षा का भार इनके कंधों पर होने के कारण नजीबाबाद के किले पर इनका आक्रमण करना यथेष्ट तर्कसंगत प्रतीत होता है।
क्योंकि उन दिनों डाकू लुटेरे गढ़वाल की सीमा में घुसकर लूटपाट करते और भागकर नजीबाबाद की सरहद में घुस जाते थे। संभवतः उन्हीं का दमन करने के लिए लोदी रिकोला को उस किले पर हमला करना पड़ा हो। दक्षिणी लुटेरों का दमन करने के लिए लोदी रिकोला ने जिस स्थान पर अपनी रक्षणी सेना नियुक्त की थी उसे ही अब रखणी खाल कहते हैं। कहा जाता है जब तक लोदी रिकोला जीवित रहे, जब तक सिरमौर आदि राज्यों में पूर्ण शांति रही और उधर के सब लोग गढ़वाल राज्य के संरक्षण में रहते थे, रिकोला सम्राट महीपति शाह के लिए कितने अहम थे, एक और किस्सा उन्हीं की वीरता से जुड़ा है। कहानी कुछ ऐसी है कि तिब्बत और चीन से आए लुटेरे गढ़वाल की सीमा में घुसकर खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते थे और गांवों को लूट लेते थे और वापस चले जाते थे। उनका दमन करने के लिए कई बार सेनाएं भेजी गईं, परिणाम ये होता वो कुछ दिन शांत रहते लेकिन सेनाओं के लौटने पर फिर उत्पात मचाना शुरू कर देते। ऐसे अवसर पर महाराज महीपति शाह को फिर से लोदी रिकोला की याद आई और लोदी रिकोला को संदेश भेजा गया कि वो पश्चिमी सीमाओं को ठीक करे। महाराज के आदेश मिलने के बाद अपनी वीरता, रण कुशलता और सैन्य संचालन के जरिए लोदी रिकोला ने सिरमौरी लुटेरों के दांत खट्टे कर दिए। लोदी रिकोला ने उन्हें गढ़वाल की सीमा से बाहर तो खदेड़ा ही, साथ ही सिरमौर की सीमा के अंदर घुसकर उनका बुरी तरह दमन भी किया। यहाँ तक कि सारे इलाके में त्राहिमाम मच गई और सबने लोदी रिकोला को आश्वासन दिया कि अब कभी भी गढ़वाल की सीमा लांघकर उत्पात नहीं मचाएंगे। ये कहा जाता है कि वहाँ इनका इतना आतंक फैल गया था कि वहाँ के निवासी अभी तक अपनी मकानों की छत पर धूल नहीं बांधा करते हैं और वहाँ की स्त्रियाँ भी अपने लहंगों में नाड़ा नहीं बांधा करती हैं। ये प्रथा वहाँ इसलिए भी प्रचलित है कि इनके चले आने पर वहाँ के लोगों ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वो लोदी रिकोला के समान भड़ पैदा कर बदला नहीं ले लेंगे तब तक वो दो कार्य नहीं करेंगे। लेकिन ना तो वहाँ ही और ना यहाँ ही फिर कोई ऐसा वीर भड़ पैदा हो चुका। बहरहाल पश्चिमी सीमा से इस प्रकार सफलता प्राप्त करने के बाद जब ये श्रीनगर वापस लौटे तो श्रीनगर में इनका शानदार स्वागत किया गया, सारे राज्य में हर्ष मनाया गया और महाराज ने स्वयं अपने हाथों से इन्हें खिलकत पहनाई और आज्ञा दी कि कराई खाल से दक्षिण का सारा इलाका जागीर में इन्हें दे दिया जाए। लेकिन इनके उस असाधारण सम्मान से मंत्रियों में खलबली मच गई और इन्होंने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उन्होंने महाराज को बहकाया कि लोदी रिकोला स्वयं राजा बनना चाहते हैं आदि आदि। अतः इन्हें आज्ञा दी गई कि एक विशेष दरवाजे को उखाड़कर अपने बल का प्रदर्शन करें। उस दरवाजे के पीछे एक गड्ढे में कई बर्छे लगे हुए थे और ऊपर से नकली जमीन तैयार कर दी गई थी। उस विशाल फाटक को झटका देकर जो ही लोदी रिकोला ने उखाड़ा कि वो नीचे गड्ढे में गिर गए और बर्छे से कट गए। एक वर्णन के अनुसार लोदी रिकोला का वहीं देहांत हो गया। सिर्फ लोदी रिकोला की पगड़ी बयाली तक पहुंच सकी जहां लोदी रिकोला की पत्नी उनके साथ सती हो गई। एक अन्य मान्यता के अनुसार उन बर्छों से घायल हो जाने पर भी ये साहस पूर्वक उठ खड़े हुए और अपने गांव की ओर चल दिए। खैरासैन के पास विषगढ़ी नदी के किनारे पहुंचने के बाद चढ़ाई शुरू हो गई, इस कारण ये आगे नहीं बढ़ पाए और उन्हीं जगह पर इनकी जान चले गई। लोदी रिकोला के वंशधर अभी तक मल्ला बादलपुर पट्टी के बयाली और कोटा ग्रामों में मौजूद हैं। ये थे उत्तराखंड के महान वीर लोदी रिकोला, जिनकी पूरी कहानी और शौर्य की बातें हमने आपको सुनाई। आगे और भी उत्तराखंड के वीरों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे।